तीन दिन से आई थिंक आपके साथ मरी मार रोड की अपडेट शेयर नहीं हो सकी, तो इसी सिलसिले में आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस टाइम मैं मार रोड के उस पार्ट में मौजूद हूँ जो कैंट एरिया के अंदर आता है, तो यहाँ की रश क्राउड की सिचुएशन देख के ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रश क्राउड होने वाला है मार रोड के ऊपर। इसके अलावा ये जो म्यूज़िक प्ले है ये आप सुन रहे हैं, आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी, ये कैंट में हमारा जो कैंट एरिया है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये म्यूज़िक लगाया हुआ था। जैसे ही मैंने बात की तो ये ऑफ हो चुका है, तो इस पर इंशाल्लाह कभी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कब और क्यों और कैसे चलाया जाए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैं काफ़ी दफ़ा गाइड कर चुका हूँ, लेकिन रोज़ाना की बेस पर हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू फैमिली मेम्बर्स ऐड होते रहते हैं, तो उनको आज मैं गाइड करना चाहूँगा। ये कुछ मार रोड की 1853 से 2021 तक पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोअर बाज़ार है, जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी आपसे डिस्कस हुआ था कि एक बाज़ार है, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो बाज़ार है लोअर बाज़ार। इसके अलावा कुलडन्ना चौक आप देखें कितना ओल्ड है और कैसा लग रहा है, और ये सनी बैंक है। आगे चलते हैं, इससे आगे ज़रा अपडेटेड पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था, पिंडी मरी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, और ये इंडिपेंडेंस डे पे रश क्राउड देखें आप, पहले भी कितना हुआ करता था। यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं पहले तो यहाँ पे मरी में बहुत ज़्यादा रश क्राउड होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरी से रश क्राउड जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और ये कश्मीर पॉइंट विंटर में है, बड़े खूबसूरत मनाजर हैं। और ये 2021 की पिक्चर्स हैं, अच्छा फ्रेंड्स, मार रोड से लाइट तो एक घंटे के लिए जा चुकी है। ये जो दुकानों वाले हैं और इसके अलावा ये जो होटल्स वाले हैं, इन्होंने अपने यूपीएस और जनरेटर सिस्टम जो है वो चलाया हुआ है। ये मेरे सामने ही है जनरेटर, काफ़ी शोर है इसका, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि काफ़ी सालों बाद ये हम जनरेटर वगैरह जो हैं वो देख रहे हैं। आपको पता है लोड शेडिंग का सिस्टम जो था वो तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब फिर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, यानी रोज़ाना की बेस पर एक घंटे के लिए लाइट्स जो हैं वो जाती जाती हैं, और इससे काफ़ी मसला क्रिएट हो गया है। आज मुझे एक प्रिंट निकालने में भी काफ़ी मसला हुआ, तो चलें डिस्कशन करते हैं आगे जीका गली में जाके, वहाँ पे लाइट ज़रूरी होगी। फाइनली जी, मैं मार रोड के कैंट एरिया की अपडेटेड सिचुएशन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आज वीकेंड भी नहीं है, लेकिन काफ़ी रश क्राउड आप मेरे सामने देख रहे हैं। अभी आगे जीपीओ चौक में चलते हैं, वहाँ पे रश क्राउड की सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रश क्राउड है जैसा कि आपने देखा। अच्छा फ्रेंड्स, मरी की खूबसूरती जो है वो जस्ट आप लोगों की वजह से है। आपने मेरे साथ ऐसे व्लॉग भी यहाँ के देखे कि जहाँ पे जस्ट अकेला मैं खड़ा होकर यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा था, उस टाइम भी देखें आप कितना बुरा फील हो रहा होता था। और आज आप लोगों की वजह से काफ़ी रौनक है मरी के मरी मार रोड के ऊपर। और आज का टाइम मैं आपको बताना चाहूँ कि किस टाइम पे आज का आपका खूबसूरत सा व्लॉग शूट हो रहा है, तो टाइम इज़ गिवन। फ्रेंड्स, आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने मरी की ये जो रौनक वगैरह है इसको दोबारा बहाल किया, बायकॉट वगैरह को ख़त्म किया, और आपको वेलकम कहना चाहूँगा मरी के अंदर। और अगर किसी भी किस्म की गाइडेंस आपको चाहिए हो तो मैं और मेरा चैनल आप लोगों के लिए हाजिर है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमारे आए हुए मेहमानों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ रहा। आप मेरे सामने ये टूरिज्म पुलिस भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा इस दफ़ा मरी को मैनेज किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मरी के अंदर ये एक सीज़न चल रहा है, तो इसमें जो है वो काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो टूरिस्ट की गाइडेंस के लिए टूरिज़म पुलिस भी है, और जगह जगह पे टूरिस्ट को गाइड करने के लिए कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हैं। आप मरी के इर्द गिर्द जो स्टाफ आते हैं वहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा लेडीज स्टाफ भी है और जेंट्स स्टाफ भी है, अच्छे से सब कुछ मैनेज हुआ पड़ा है। अच्छा
ना फ्रेंड्स, आप जहाँ भी मार रोड की ओल्ड पिक्चर्स देखते हैं वहाँ पे एक इस चर्च का ज़रूर जिक्र किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो चर्च ये है, यानी कि मार रोड की आपने ओल्ड पिक्चर्स जो आज भी देखी, आई थिंक वहाँ पे चर्च भी देखा होगा, उस टाइम की वो सिचुएशन थी। और अब ये जो है ऐसा है, यानी कि बहुत खूबसूरत हो चुका है बिल्कुल मेन मार रोड के ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमें अपने चैनल का नेम जो है वो चेंज करना चाहिए या यही चलेगा। तो उस पर काफ़ी सारे हमारे फैमिली मेंबर्स जो यूट्यूब से हैं उन्होंने हमें गाइड किया कि चैनल का नेम जो है वो चेंज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ज़रा आगे चल के मैं ज़रा फ्री हो लूँ तो फिर इस टॉपिक पे देखते हैं कि क्या करना है और क्या नेम चेंज करना है। लेकिन आप लोग जैसे कहेंगे होगा वैसे ही। अच्छा फ्रेंड्स, आइंदा से रोज़ाना हम आपको यहाँ से GPO की कंप्लीट बिल्डिंग का व्यू दिया करेंगे, जिससे आपको रश क्राउड की सिचुएशन का अंदाज़ा होगा और ये खूबसूरत मनाजिर आपके साथ शेयर हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ओनली फॉर यू। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करते चलूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जैसा कि पहले भी आपसे माजरत की, सॉरी की, कि 3 दिन से आपके साथ मार रोड की अपडेट्स शेयर नहीं हो सकी, जबकि हमने आपके साथ कहा हुआ है कि इंशाल्लाह रोज़ाना की बेस पे आपके साथ मरी मार रोड की अपडेट्स और व्लॉग्स जो हैं हम ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, जैसा कि आपके साथ वो एक्सप्रेस वे का व्लॉग भी शेयर हुआ, और इसमें जो पुरानी मेरे पास स्नोफॉल की वीडियोस पड़ी हुई थी जो बहुत अच्छी मुझे लगती हैं, जो मुझे अभी भी डिलीट करने का जी नहीं चाहता, वो अभी भी मेरी गैलरी में पड़ी हुई हैं, और जो मैंने उस व्लॉग में आपके साथ शेयर भी की थी। तो वो व्लॉग जिन लोगों ने नहीं देखा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एंड स्क्रीन पे लगा होगा और कुछ नहीं तो जस्ट वो स्नोफॉल ही देख लें, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और इसके अलावा जैसे स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया कि मार रोड से जो है वो लाइट जा चुकी है, तो लाइट जाने के बाद जस्ट खामोशी है और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। ऐसी हवाएँ चल रही हैं कि मेरे जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं और काफ़ी ठंडी हवाएँ। ये सामने मेरे एक दरख्त है, आप देख रहे हैं, शायद अंधेरे में आपको नज़र तो नहीं आता होगा, लेकिन ये काफ़ी ठंडी हवा मुझे जो है वो दे रहा है, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जस्ट आप लोगों की वजह से हम भी कुछ ज़रा एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम जब यहाँ से मरी से ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, मरी से ज़रा बाहर रावलपिंडी के लिए जाते हैं, तो हमें भी एहसास होता है कि यार अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत मरी रहने के लिए दी हुई है। वैसे जब आपके साथ हम YouTube चैनल नहीं था तो हमें ऐसा एहसास नहीं होता था, अभी आपके साथ रोज़ाना की बेस पे अपडेट्स और मरी की जो मेन चीज़ है यहाँ का खूबसूरत वेदर वो शेयर करते हैं, तो फिर हमें भी जहन में आता है और हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। और इसके अलावा रश क्राउड की सिचुएशन, जैसा कि आपने पिछले एरिए मार रोड के पूरे के पूरे मार रोड का विज़िट किया, उससे आपको रश क्राउड की सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ होगा। तो रूम रेंट भी काफ़ी हाई है जी इन दिनों, क्योंकि आपको पता है पीछे कोविड भी था और इसके अलावा आप लोगों का मरी के साथ बाइकाट भी चल रहा था। बाइकाट तो आई थिंक एंड हो चुका है और आगे कोविड का कोई पता नहीं है, तो इस वजह से बाइकाट जो चल रहा था और कोविड चल रहा था, इस वजह से मरी जो है वो जस्ट वीरान था। पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट पॉइंट थे वो वीरान थे, तो मरी क्यों ना वीरान होता कोविड के दौरान। तो इस वजह से जो है इन्होंने रूम रेंट हाई किया हुआ है, क्योंकि कोविड के दौरान और बाइकाट के दौरान ये जो होटल के रेंट हैं जो करोड़ों में होते हैं वो ये अपनी जेब से पे करते रहें, तो इस वजह से अभी जो रूम रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मैं आपका जैसा कि पहले भी थैंक्स आपको कहा और अगेन मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो आप लोगों ने मरी के साथ बाइकाट ख़त्म किया। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा यहाँ पर मरी में कोई बिज़नेस सिस्टम तो नहीं है, तो लेकिन मैं एक मरी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे अपनी मरी के अंदर ऐसे मेहमान आते हुए, आपको पता है मेहमानों से ही रौनक होती है, आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखते रहें जिसमें मरी मार रोड के ऊपर जस्ट खामोशी थी, तो आज कोई वीकेंड भी नहीं है और आप देख रहे हैं कि मरी मार रोड के लिए जो है वो गाड़ियां इंटर होती जा रही हैं, बम्पर टू बम्पर तकरीबन गाड़ी जुड़ी हुई है। तो आगे वीकेंड आएगा, आपको पता है पाकिस्तान में मौसम गर्मियाँ की जो है वो छुट्टियाँ भी होने वाली हैं,
तो इंशाल्लाह मरी के अंदर काफ़ी रश क्राउड होगा, तो आपके साथ अपडेट्स शेयर होती रहेंगी। फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा फ्रेंड्स, व्लॉग शूट होने के बाद मैं घर के लिए जा रहा था, तो मार रोड की जो है लाइट वो आ चुकी है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो अब तो हम जा रहे हैं जी घर। आप लाइट आने का व्यू भी देख लें, और लाइट आने से पहले का आपने अंधेरे में देखा था, अंधेरे में मार रोड कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है।